Hello students, welcome to Easy Engineering Classes. Today we will see a very important concept of Java, which is the use of final keyword. Now final keyword can be used in three different ways in Java. First is if I have a final variable. So once a variable is declared as final, its value cannot be changed. Its value cannot be changed during the scope of the program. तो एक तरह से ये constant value को define करता है, declare कर देता है. एक बार आपने किसी variable को final बना दिया तो आप उसकी value को change नहीं कर सकते. Second is final method. Method declared as final cannot be overridden. आप एक final declared method को override नहीं कर सकते. Suppose एक method है मेरे पास final m1 class p में, class c extends p मैंने लिखा, इसके अंदर मैं m1 को दोबारा से define नहीं कर सकता. ये एरर शो करेगा क्योंकि ये फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन. नेक्स्ट इज फाइनल क्लास. फाइनल क्लास इज अ क्लास विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड. सो अगर आप एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर देते तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते. Clear? So if a question comes in your exam that what is the use of final keyword in Java, you have to explain all the three uses of final keyword with the help of example. Now let's see some examples of all the three uses of final keyword. सबसे पहला है final variable का. Suppose एक class के अंदर मेरे पास एक variable है final int I is equals to 10 और यहीं पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया फाइनल वेरिएबल और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं आई की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहता हूं तो ये मुझे एरर शो करेगा. ठीक है, यहां सब क्या होगा देखिए. आप मेन क्लास में मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आएगा आपका और ये आई की वैल्यू को 10 से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. बट क्योंकि जो आई है आपका दैट इज फाइनल, सो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आई. सो यू विल गेट एन एरर और एक्सेप्शन सेइंग दैट कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल. क्लियर? सो एक फाइनल वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. इसको हम सिस्टम पे भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे अभी इसी क्लास में. सिमिलरली सेकंड एग्जांपल ऑफ फाइनल मेथड इज हेयर. दिस इज अ पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास है. पेरेंट क्लास में एक मेरे पास सपोज आई की वैल्यू है सिंपल. I have a method which is declared as final. So final void m1 system.out.println final. Similarly अगर मैं child class के अंदर भी एक method को define करने की कोशिश करूँगा जो होगा m1 नाम का ही, तो अब आप इस program को compile नहीं कर सकते because you cannot override a method which is declared as final. पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं आपको एक बार. सपोज ये पूरा प्रोग्राम आपने लिखा. अब इस प्रोग्राम में एरर कहाँ पे है? एरर ये है कि दिस इज फाइनल मेथड m1 और मैं इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. But this override is not possible because
M1 is declared as final in parent class. Try to implement this in your system and you will see the error. Clear? Now we will see final example of this class, which is declaring a class as final. Next example of this lecture series is, if I have a class which is declared as final. अभी देखिए यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है फाइनल वन. उसके नीचे मैंने एक क्लास बनाई चाइल्ड जो एक्शन कर रही है फाइनल वन को. और यहाँ पे मैं सपोज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड सी वन इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड. यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स हम कॉल कर लेते हैं. छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही आप पूरा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप पूरा बड़ा एक एग्जाम्पल लेके ही अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट को. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल जिससे आपको फाइनल क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है अभी तो, क्योंकि ये क्लास है एक पेरेंट क्लास एक्सटेंड करी इसने और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया. एरर कब आएगा? अगर मैं पेरेंट क्लास को फाइनल बना दूंगा. नाउ सिंस दिस इज अ फाइनल क्लास, यू कैन नॉट इनहेरिट दिस क्लास फाइनल वन इन चाइल्ड क्लास, क्योंकि फाइनल वन अब एक फाइनल क्लास बन चुकी है विच इज नॉट इनहेरिटेबल. सो इन दिस प्रोग्राम अब आपको एरर आएगा. नाउ लेट सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री केसेस. Begin with the implementation of final keyword. First we will see the example of final variable which is like a constant and you cannot change the value of that variable. So in this example we have created a class final demo. One variable is I which is initialized to 10. Then I am appending the value of I by 10 and printing that value. अभी इस प्रोग्राम में हमने I वेरिएबल को फाइनल नहीं किया है. तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा. देखिए हमारा आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आई 20, मतलब आई की वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं. बट अब हम इसको अगर फाइनल कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी एक्सेस हो सकता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल आई. दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई. अगर इसको हम सिर्फ कमेंट आउट कर देते हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट हो पाएगी फाइनल की? देखिए एक्सेस आप कर सकते हो बट आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते.
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फाइनल कीवर्ड का, एक फाइनल मेथड के केस में जो ओवरराइड नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है फाइनल चाइल्ड, जो फाइनल डेमो क्लास को इनहेरिट कर रही है। अभी हमने void m1 नाम के मेथड बनाया है जिसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड किया है। कोई भी मेथड अभी फाइनल नहीं है, तो एक्सेस करके अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने मेथड को फाइनल नहीं किया है। तो देखिए इसमें ऐसे क्या हुआ, आपका पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास का ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसको हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करके देखते हैं। तो एक्सेस करने में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, मेथड इजीली ओवरराइड हो रहा है। अब हम पेरेंट क्लास के अंदर m1 को फाइनल बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या m1 को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, m1 इन फाइनल चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड m1 इन फाइनल डेमो, ओवरराइड मेथड इज फाइनल, सो इट मींस यू कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड। अब इसी में देखते हैं, अगर हमारी एक क्लास फाइनल हो जाए तो क्या वो एक्सटेंड हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक और एरर आ गया, कैन नॉट इनहेरिट फाइनल फाइनल डेमो क्लास, इट मींस यू कैन नॉट इनहेरिट ए फाइनल क्लास। ट्राई ऑल द थ्री यूजेस ऑफ फाइनल कीवर्ड बाय टाइपिंग द प्रोग्राम एंड सी व्हाट यू विल गेट एज आउटपुट। प्लीज कमेंट बिलो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.